तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख रहे हैं, इसमें लगातार अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है और ये स्टॉक लगातार स्लोली स्लोली अच्छे प्राइस एक्शन बनाते हुए अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड कर रही है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 2007 में अपनी लिस्टिंग के बाद कंपनी ने 2014 तक ऐसा कुछ खास रिटर्न दिया नहीं था, लेकिन उसके बाद इसमें एक अच्छी रैली चली वापस से। 2020 में ये अपने आईपीओ वाले लेवल के आसपास ही ट्रेड करने लगा था, लेकिन जब वहां से दोबारा ये चलना शुरू किया उसके बाद इसमें कोई भी रुकावट नहीं है और ये अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड कर रहा है। वैसे दोस्तों कंपनी में जो काफी ज्यादा बिजनेस फंडामेंटल्स है उसमें काफी चेंजेज आए हैं, इसीलिए इसमें काफी ज्यादा रफ्तार भी देखने को मिल रही है। तो इसके आगे की चार्ट एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1698 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में अभी तक 1% के आसपास की रैली दिखा चुका है। मार्केट कैप 4469 करोड़ का, स्टॉक पी इसका 25 का है जो कि अभी भी देखा जाए तो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है मार्केट में जिस हिसाब से रैली चल रही है। आरओसी 26.6%, आरओई 20.1% का है जो कि ये दोनों भी अपने ठीक ठाक लेवल पर ही है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 822 का लो था और 1745 का कंपनी ने हाई लगाया है। दोस्तों ये हाई आज ही लगा है, यानी कि ये कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रही है। तो आपको कंपनी के बारे में और बता दूं तो फीएम इंडस्ट्रीज ओरिजिनली इस कंपनी का जो नाम था वो था राहुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 6 फरवरी 1989 को इस्टेब्लिश हुई, जो कि 6 फरवरी 1989 को इनकॉर्पोरेट हुई नई दिल्ली में और इसको मिस्टर जेके जैन द्वारा फाउंड किया गया था। और यह कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स का काम करती है जैसे कि लाइटिंग में इसकी महारत हासिल है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप इसके चार्ट पर देखेंगे धीरे धीरे ये कंपनी ऊपर ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेब्ट जो है वो कम किया है और ये अब ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है और पिछले 5 सालों में कंपनी का जो CAGR है वो 24.4% की रेट से ग्रो किया है और ये कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी देती है। साथ ही में इसके कॉन्स की बात करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले क्वार्टर में लगभग 7.5% तक कम हो गई है जो कि कंपनी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो ये ऑटो एंसिलरीज में काम करती है जिसमें आपका संवर्धन मदरसन हो गया, बॉस, यूनो मिंडा, सोना BLW, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इंडोरेंस टेक्नोलॉजी, ZF कॉमर्शियल जैसी काफी शानदार कंपनियां इस मार्केट में काम कर रही हैं। फीएम इंडस्ट्रीज भी उन्हीं में से एक है। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 275 करोड़ का था, जून 2022 में 445 करोड़, जून 2023 में 475 करोड़ और जून 2024 में 578 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 11 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 29 करोड़, जून 2023 में 36 करोड़ और जून 2024 में कुल 49 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 605 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1015 करोड़, मार्च 2021 में 1221 करोड़ और करंट में कुल 2132 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां मार्च 2013 में 28 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 33 करोड़ का, मार्च 2021 में 47 करोड़ का प्रॉफिट और करंट में कुल 179 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। यानी कि दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट हो या सेल्स ग्रोथ हो दोनों में ही काफी अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। तो अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 18% की रेट से, पिछले 5 सालों में 57% की रेट से, पिछले 3 सालों में 45% की रेट से और पिछले 1 साल में 68% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। यानी कि कंपनी ने काफी ज्यादा पैसा बनवाया है अपने इन्वेस्टरों को। तो अगर हम फीएम इंडस्ट्रीज के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 134 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 225 करोड़, मार्च 2021 में 77 करोड़ का रहा और मार्च 2024 में कुल 23 करोड़ का लोन और रह गया है। यानी कि मार्च 2017 के बाद कंपनी ने लगातार अपने लोन हर साल कम ही किए हैं जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं पर इसके टोटल असेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 433 करोड़ का असेट था, मार्च 2017 में 870 करोड़, मार्च 2021 में 922 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 1218 करोड़ का टोटल असेट है। इसकी तुलना में जो लोन है ये बस नाम मात्र का है तो यहाँ पर लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहाँ सितंबर 2021 में 66.56% थी वो जून 2024 में घटकर 58.96% ही रह गई है। FIIs की होल्डिंग 9.74% से घटकर 3.41% हो गई है, DIIs की होल्डिंग 0.35% से बढ़कर 3.18% और पब्लिक की होल्डिंग 23.35% से बढ़कर 34.45% पे आ चुकी है। तो दोस्तों अगर हम फीएम इंडस्ट्रीज की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 6 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे।
अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लाइबिलिटीज नहीं है जिससे कि कंपनी के इन्वेस्टर को कोई भी प्रॉब्लम हो। अदर इनकम इनकी अच्छी है। अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने कोई भी होल्डिंग बेचा नहीं है पिछले 90 दिनों में। डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ ही रहा है। शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। इनका जो डेप्ट है वो भी मैनेजेबल है। बाकी इनके जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो काफी ज्यादा हाई है पोजीशंस। थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में भी अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। और इसके जो रिसीवेबल्स हैं वो सेल्स से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि सेल्स ग्रोथ जो है इनकी काफी स्लो रफ्तार है। बाकी अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो इसका 30% के अराउंड इसके पास टू व्हीलर्स की लाइट्स में मार्केट शेयर है। यानी कि टू व्हीलर्स की जो लाइट बनती है उसमें ज्यादातर कंपनियां इसके कस्टमर्स हैं। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है ऑटोमोटिव लैंप 38.8%, ऑटो एलईडी लैंप 32.4%, रियर व्यू मिरर्स 12.1%, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स 10.4% एंड 6.3% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 92% का बिजनेस होता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इसके कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो टू व्हीलर जो है 96.7% एंड फोर व्हीलर 3.3%। अगर हम इनके कस्टमर्स की बात करें तो इस लिस्ट में आपका आइसर मोटर्स हो गया, हीरो मोटोकार, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, हार्ले डेविडसन, होंडा, कावासाकी, पैगियो, सुजुकी, यामाहा, एम्पियर, बाउंस इन्फिनिटी, बीएसए मोटरसाइकिल्स, केमिकल पोलैरिटी जैसी और भी शानदार कंपनियां हैं जो कि इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से फीएम इंडस्ट्रीज के चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी थी। आप इसका चार्ट को देख ही सकते हैं कि इसमें क्या बेहतरीन पैटर्न बनता नजर आ रहा है और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसके जो लेवल्स हैं, अगर ये ऐसे ही ट्रेड करता रहा तो बहुत ही जल्दी ये 2000 के लेवल पे ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो अगर आपको ये स्टॉक पसंद आया हो और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।